वी आर फैमिली आतंकवादी फैमिली टेररिस्ट 1 2 3 ब्लास्ट गाइस वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी लोग ठीक ठाक हो, अच्छे हो, कैसे हो, मजे में हो, बढ़िया हो। गुड मॉर्निंग गाइस, इट इज़ राइट नाउ 4:46। मैं कल रात से सोया नहीं हूँ, ये कल रात से 15 मिनट की झपकी लेके सोया हुआ है। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। सब नशे में, सब नींद से अभी उठे हुए हैं। क्यों नींद से उठ रहे हैं अभी सब लोग? क्योंकि अभी हम लोगों को जाना है और सूरज भैया नीचे रुके हुए हैं, सूरज भैया नीचे वेट कर रहे हैं हमारा। मैं तो कल रात से सोया नहीं, नम्रता दीदी हार्डली 1 घंटा सोई है, सूरज 2 घंटा सोया है और ये 15 मिनट सोया है, जो कि ये फिर से शायद झपकी ले लेगा। तो सबके सब, अरे फिर से यार चलना है ना यार, निकलते क्या चाहिए? एडवेंचर चाहिए। पूरी रात से सोया नहीं हूँ मैं, ऐसा एडवेंचर करने जा रही हो तुम? ओके गाइस, आई एम रेडी। लगता है बाहर बर्फ पड़ने वाली है तो मैं ऐसे चलूंगा। मैंने अपना थैला ले लिया, मैं जा रहा हूँ। तुम लोग को आना रहेगा तो आ जाना, मेरे को नहीं लगता तुम लोग आज चलने भी वाले हो जिस तरह है तुम लोगों के हाल। मैंने ले ली गाड़ी की चाबी और मैं जा रहा हूँ नीचे। जिसको मन रहेगा वो आ जाना नीचे। इसको देखो आ रहा है ना। हम लोग किधर चल रहे हैं हमें खुद डिसाइडेड नहीं है भाई, हमें खुद नहीं पता है हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं बस। गाइस एक्चुअली दिस इज हाउ वी सेलिब्रेट आवर बर्थडेज, बिकॉज हम लोग बाहर जाके अच्छा लगता है कि बाहर जाके हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और घर पे नहीं करते हैं। लगता है बाहर बर्फ पड़ने वाली है। ये देखो ये रुमाल रुमाल पहन के आए। तू कितनी देर सोया है? मैं 2 घंटा। ये 2 घंटा सोया है, मैं सोया ही नहीं हूँ। नम्रता दीदी 1 घंटा सोई है, रौनित 15 मिनट सोया है खाली। इसको खुजली दी, मैं तो बोला सो जाओ चुपचाप। इसने बोला था सो जाओ, मार ही खाएगा बोलता है अभी। बोला घर पे जाके सो जाओ, 2 घंटे में उठना है। 2 घंटे? अरे नहीं, वो बातें बता रहा था, थोड़ी बहुत बातें बातें कर रहे थे हम लोग। बातें कर रहे थे, वाह मोमेंट्स बनाएंगे, क्या बात है। अरे अभी अभी ऐसे नशे में गाड़ी चलाएंगे। रौनित चलाएगा, रौनित हमारा राइडर ही वही है। वो उसको सुलाओ नहीं ना, फिर भी चलाता है अच्छे से एकदम। रुमाल रुमाल क्यों पहन के है? मजूर लगा ये बस। जब गाड़ी चलेगा तो ऐसे कान नीचे कर दूंगा, मतलब नीचे कर दूंगा। सुपरमैन का रुमाल है। पास हो रहा था, कपड़े निकाले चुपचाप हम लोग। गाइस अभी बड़े पापा जाग रहा था, चाय बना रहा था। बड़े पापा चाय बना रहा था, मैं चुपचाप से गया, पहले शू निकाला। हमारा है ना वो धमाल में सीन नहीं था कि जो अपने डैडी से घर से भाग जाते हैं, जो घर से चाबी गाड़ी लेके आ गया। इसको अच्छा नींद मिला है गाइस, जिस तरह इसकी एनर्जी चल रही है ना, मेरे हिसाब से इसने बहुत अच्छे से नींद वींद की है। 2 घंटा ये 2 घंटा सोया, लेकिन इसकी एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा हाई है, तो मेरे हिसाब से इसने बहुत अच्छी खासी नींद की। और हम लोग वो धमाल के लिए बता रहे थे ना, 4 बजे से जागा हुआ हूं ना, अभी 40 मिनट हो गया जाग के मेरे को तो। अच्छा इसकी नींद खुल गई है। पिछली बार जब हमारे साथ ये डिंडेश्वर मंदिर चला था तो नींद से उठ के सीधा आया था। 5 मिनट पहले उठा था, बस ब्रश करके उतर गया मैं। और हमारा धमाल वाला सीन ऐसा है कि सब घर से भाग के आए हैं भाई साहब, मेरे घर पे खाली पता है कि हम जा रहे हैं, और तो रौनित के घर पे तो पता ही नहीं है कि उसने मेरे घर पे स्टे किया हुआ है। गाइस आपको पता है, रौनित को पता, रौनित के घर वालों को एंजॉय कर रहे हैं पूरी रात, पार्टी वार्टी पार्टी वार्टी। उन लोगों को लग रहा है हम न्यू ईयर ही आज ही बना के जाएंगे, बिकॉज रौनित इतने टाइम के बाद आया ना। ओ माय गॉड, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। हमारा सेंटा क्लॉज, हमारा सेंटा क्लॉज, सेंटा क्लॉज। ओके सुबह के 5 बजे हमारा सेंटा क्लॉज रेडी हो चुका है, देख रहे हो इतना ज्यादा ठंडी ठंड इधर। हाँ ये आ गई, लगता है बर्फ पड़ने वाली है ना, सब एकदम क्या लग रहे हैं भाई साहब। ये देखो सुपरमैन, ये सेंटा क्लॉज, ये दादी अम्मा, और मैं आज का रैपर सुबह सुबह को एक नंबर। गाइस पहले है ना हम लोगों ने जगह सोची थी, बहुत अच्छी अच्छी जगह सोची थी और प्लानिंग भी बहुत अच्छी की थी, जैसे मैंने आपको पहले भी व्लॉग में बताया था। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई है कि यार जैसे रौनित के एग्जाम्स ही खत्म हो गए, तो एग्जाम्स की वजह से लोचा हो गया था और वो यहाँ पर आया ही लेट, तो हमारा पूरा प्लानिंग मिक्सअप हो गया। तो अभी सुबह में हम लोग जहाँ जाने वाले थे वो यहाँ से बहुत ज़्यादा लंबा है, तो हमने सीधा रौनित को ही बता दिया, भाई तू ही ट्रैवलर है, तू ही बता तेरे को चलने का कहें, तू ही जगह डिसाइड कर, तू बोल जा, जहाँ बोलेगा वहाँ चलेंगे। तो उसने ही जगह डिसाइड किया, तो वही जगह डिसाइड करके हमको लेके चल रहा है। तो अभी हम लोग पहले जा रहे हैं पेट्रोल भरवाने के लिए। ये देख रहे हो ऐसा क्या लग रहा है भाई, क्या लोकल है सवेरे 5 बजे।
वो लोग आ रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं पहले पेट्रोल भरवाने। गाइस हमको रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है, लगता है बर्फ पड़ने वाली है। मौसम विभाग बहुत ज्यादा धुंधला और धूम हो चुका है एकदम भाई, पूरा ब्लर हो चुका है, पूरा ब्लर, इतनी ज्यादा ठंडी है। हम लोग अपने शहर में ही है और हमारे शहर में ही उल्लासनगर में, उल्लासनगर से टीट वाला वाले रास्ते पे जो जाते हैं, मेरे को पूरा काला दिखाई दे रहा है, मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा ब्लर दिखाई दे रहा है, मेरे को रोड भी नहीं दिखाई दे रहा है, इतनी ज्यादा ठंड है, इतनी ज्यादा ठंड है, ऐसे लग रहा है मैं नॉर्थ में की तरह आ चुका हूँ और पूरा धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है और धुएं की वजह से मेरे आंखों में ब्राइटनेस और कम हो चुकी है, मेरे को सब काला दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है खाली बर्फ पड़ने वाली है भाई, ऐसे लग रहा है फ्रिज के बाहर में रुका हुआ हूँ और मेरे चारों तरफ पता नहीं कोनों कोनों में हवाएं जा रही है। गाइस ये क्या है, इतना ज्यादा फॉग हमको रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा था, लेजिटली आई एम टेलिंग यू, आई स्वेयर ऑन गॉड मेरे को रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ लाइट दिखाई दे रही है, पानी आ रहा है हाथ में, हाथ में पानी आ रहा है। अरे हम लोग कैसे आए हमको पता है, लाइक इट्स वेरी गुड एंड इट इज वेरी काइंड ऑफ रियली बैड थिंग भी कि यार रास्ता दिखाई दे रहा है, इतना ज्यादा फॉग है यहाँ पे, आपको ये धुआं दिखाई दे रहा है, ये ब्लरनेस और ये डलनेस दिखाई दे रही है, ये सब फॉग है, सबका सब फॉग है और पीछे से नम्रता दीदी और रौनित आ रहे हैं। आई डोंट नो हाउ आर यू सर्वाइविंग माई फ्रेंड, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग टू यू, वो प्लीज अपने फ्रेंड्स को बोल देना सब्सक्राइब कर दे, तेरे को ठंडी लग गई है भाई, तू टेंशन नहीं ले, तेरे को ठंडी लग गई है, अब मैं तेरे साथ। ये देखो आए ये लोग भी चादर पहन के आए हैं क्या घर से, ये देखो कान वान ढका दी, मैंने कान वान सब ढक लिया, तुमको रोड दिखाई दे, तेरे को इसमें रोड दिखाई दे रहा है, मेरे को तो ये पहनने के बाद अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। 346 minutes later Guys, अभी हम लोग यहाँ पे 60 वाट के बल्ब के आगे रुके हुए, जहाँ पे एक चाइनीज की दुकान है, यहाँ पे तो कुछ चालू है नहीं और यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसे थोड़ा सा बल्ब के पास रुक के गर्म लग रहा है, तो हम लोग यहाँ पे बल्ब सेक रहे हैं हम लोग यहाँ पे गाइज, बहुत ज्यादा यहाँ देख रहे हो, पूरा रोड ही नहीं दिखाई दे रहा है, पूरा फॉग ही फॉग है, ये तो अलग ही चीज लग रहा है भाई, मजदूरों का रुमाल पहन के आया है। ये देखो दो डाकू मंगल सिंह लगे पड़े। गाइस सुबह के 5:45 पौने 5 बजे कितना टाइम हो रहा है, 6:45 हो रहे हैं और ये हम लोग आ रहे हैं, थोड़ा सा इडली विडली दे दिया अन्ना ने, थोड़ी सी इडली मेहरबानी जी हो गई, थोड़ा सा नाश्ता वाश्ता दे दिया हमको, तो हम लोग अभी इडली खा रहे हैं, अभी हमारे लिए नारियल की चटनी बन रही है। गाइस ये तो कौन सी चटनी है, ये लहसुन और टमाटर का चटनी है, कैसा है वैसे? अच्छा है, सुबह के 5 बजे के साथ से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, गर्मा गर्म सॉफ्ट सॉफ्ट इडली मस्त है, काफी बढ़िया है। थैंक यू नसीब से हमें ये वाली एक छोटी सी रेस्टोरेंट मिल गई है जो कि बहुत प्यारी रेस्टोरेंट है, यहाँ पे हमने थोड़ा सा इडली खाया, वड़ा खाया और अब हो रहे हैं सुबह के 6:10 और आंटी जी अभी हमारे चाय बना रही है, कड़क वाली एकदम अदरक वाली चाय बना रही है। यार नॉर्थ में तो सोचो यार, तुम्हारे सब जितने भी लोग नॉर्थ में रह रहे हो, हिमाचल में रहते रहोगे, अगर वो लोग ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो यार दिसंबर के मंथ में आप लोगों का कैसा हालत होता रहेगा, हाउ आर यू सर्वाइविंग गाइज, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है सर्वाइव करना वहाँ पर। गुड मॉर्निंग, अभी इसने खाया है तो बात कर पा रहे हैं, देखो नहीं तो इसका मुंह और इसका रेडियो बंद था पूरी देर से, अगर ये शांत है इसका मतलब इसको भूख लग है। हाँ ये बौखला जाती है और तेको भूख लगती है तो तेरा क्या होता है, इसका फर्क ही नहीं मालूम पड़ता है। गाइस तू रुमाल पहन एक बार गाइस से पूछे ना, पहले इतनी क्लिप्स में देखा, अच्छा पहन के दिखाऊंगी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर, गॉड ब्लेस यू डियर, मे गॉड ब्लेस यू डियर, थोड़ी सी ठंड कम कर दो डियर, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओके पहली बार सूरज इतने टाइम के बाद चाय ले रहे हैं, चीयर्स टू गुड लाइफ, चीयर्स टू लाइफ, चीयर्स टू हैप्पी बर्थडे रौनित, चीयर्स टू गुड लाइफ, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं आपसे। देखो हम लोग जंग पे लड़ने जा रहे हैं, मैंने मास्क वास्क, तू तो आतंकवादी लग रहे हो भाई। ये देखो ये हमारा सेवियर है, हमारी मम्मी है, ये हमारी मम्मी है,
ये देखो ये सब आतंकवादी लग रहे भाई, आतंकवादी सब भाई साहब तो लग ही रहे भाई। ये मेरे को इतना मुंह में बंद है, मेरे को सांस लेने को हो रहा है। हाँ बस ठीक है, वो देखो गाइस हाई ऑन लाइफ वो लग रहा है, भी लग रहा है ना आतंकवादी, डाकू बोलते आतंकवादी लग रहा हूँ मैं। हाँ भाई देखना रुमाल लेता है ना भाई, बंदूक दे दो हाथ में, पत्थर दे दो, पत्थर बाज लगेगा। बंदूक हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। मेरे को मेरा आर्मर खोलना पड़ेगा। यस बम निकल रहेगा। ये तो आप ही सच्ची नहीं लग रहा है भाई। ये देखो कैसा लग रहे हम लोग। वी आर फैमिली, आतंकवादी फैमिली। 1 2 3 ब्लास्ट। इतनी ज्यादा ठंड है, आज का मौसम विभाग ऐसा है कि भाई साहब बहुत ज्यादा ठंड है, लेकिन मजा भी बहुत होता है यार। देख सकते हो यार, हम डाकू मंगल सिंह बन के चल रहे हैं, एकदम डाकू आपको सब कुछ कवर करने के बहुत ठंडी लग रही है आपको। गाइस मेरी क्रिसमस तो ऐसी जा रही है, तो विश यू ऑल अ वेरी मेरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर। एंड काफी ज्यादा ठंड है भाई साहब, मजा भी उतना ही ज्यादा आ रहा है, और ये कुछ अलग और नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है गाइस। कुछ अलग ही नेक्स्ट लेवल चीज हो रही है ये हमारे साथ। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं, जगह का नाम क्या है? 298 frozen patties later। कैसा लग रहा है? दुआ। कैसा लग रहा है? अभी नॉर्थ नहीं जाएंगे हम वर्केशन करने। नॉर्थ का प्लान कैंसिल, हमने नॉर्थ का फील पूरा इधर ही ले लिया। गाइस ये हाथ ऐसे जम चुके हैं, अलग ही फील आ रहा है, मजा भी बहुत आ रहा है, सबकी हालत खराब हो गई। अब प्लान यही कर रहे हैं कि यहाँ पे गाड़ी को आग लगा के थोड़ी देर हम लोग गर्मी ले, इतनी ज्यादा हालत खराब हो रही है कि गाड़ी के अंदर जो पेट्रोल पड़ा है उसको ही आग लगा के 60,000 की गाड़ी चला दे और उसके ऊपर हाथ से के हम लोग, इतनी ज्यादा ठंडी लग रही है, किसी के पास माचिस भी नहीं है। इतनी ठंड की वजह से हमने साइड में 2 मिनट का हॉल्ट लिया है गाइस, और उसके बाद फटाफट से जाए। क्या देखेगा, इतना ऊपर है, क्या जाके देखोगे? हम जा कहाँ रहे हैं, हमने आपको इतना सस्पेंस में रखा है। क्या क्या? We don't have time to take breaks. Okay, जैसा हमारा अरे पता क्या हुआ, पहले मैप्स में देखा था 1 घंटा 6 मिनट, मैं 10 मिनट गाड़ी चला, 1 घंटा 4 मिनट, 16 मिनट, 10 मिनट गाड़ी चलाने के बाद 1 घंटा 4 मिनट ने चलाया गाड़ी, 1 घंटा 4 मिनट बोला, फिर उतर के मैंने गाड़ी लिया, 1 घंटा 2 मिनट हुआ था। बोलते है क्या है, मैप्स खराब है तेरा। अरे कसम से मैप टाइम नहीं है यार, और 1 घंटा है रोनित, और 1 घंटा है पे। गणपति बाप्पा मेरे हाथ की ताली, गणपति बाप्पा मोरिया, हैप्पी बर्थडे। ब्लॉग के पता नहीं कितने पार्ट बनने वाले हैं, अलग अलग पार्ट बनने वाले हैं, तो ये वाला शायद ब्लॉग बहुत ज्यादा बड़ा हो गया रहेगा, तो आपसे मिलेंगे अगले पार्ट में, तो बने रहिए अगले पार्ट में। और देखो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, मैंने आपको लोकेशन का नाम नहीं बताया, और ऐसी लोकेशन रहेगी जो शायद ही आपने नहीं देखी रहेगी, तो वो वाली लोकेशन देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा अगला वाला पार्ट। तो मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय।
पीस विद पपी। यार हाथ ठंडे हो गए।